कार कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास में। अभी तक हम लोग क्लास शेयर नहीं कर पाए हैं, तो जो लोग क्लास में जुड़े हुए हो, जिनको टाइमिंग पता है, फटाफट क्लास को आप लोग पहले तो शेयर कर ही दो, साथ में हम भी आपके क्लास को शेयर करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जुड़ जाओ सब कैसे हैं आप फटाफट। सभी लोग, स्वागत है आप सभी। और बहुत बेहतरीन क्लास, अपना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हम लोग को आज से पढ़ना है, तो फटाफट जुड़ जाओ आप लोग और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, समझते हैं इन चीजों को और अच्छे से रिवाइज करते हैं। जरा फटाफट शेयर करो आप लोग, जितने लोग जुड़ गए हो। मैं अभी साथ में क्लास को आपके शेयर कर देता हूं, जिससे जहां तक क्लास जो है, आप सारे जितने भी आपके साथी संगी हैं, सब तक ये क्लास पहुंच जाए। थोड़ा सा आप लोग भी उसमें सहयोग करो क्लास को सभी तक पहुंचाने में। बस 1 मिनट का आपको इंतजार और करना पड़ेगा। क्लास को शेयर करते रहो आप लोग भी, स्टेटस पे चेप दिया करो भाई, ज्यादा समय थोड़ी ना लगता है उसमें। और जब ज्यादा ज्यादा लोगों को दिखाओगे तो आपको ये रेगुलर क्लास मिलती रहेगी, आपको भी मजा आता रहेगा और पढ़ाने का मजा हमको आता रहेगा, है कि नहीं? चलो शुरू करें फिर। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को हम लोगों को पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो पहले अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में पहला आप अगर देखोगे तो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हम लोग पढ़ेंगे। एग्री टर्मिनोलॉजी, कुछ हाईटेक पढ़ाइए, न्यूमेरिकल टॉपिक आने दीजिए, जितना भी अरुण कात्यायन में सब पढ़ाया जाएगा। अभी तो फिलहाल हम लोग जो टॉपिक है वो तो बहुत इजी टॉपिक है, अब तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स वगैरह ये तो आसान टॉपिक है। इसके बाद हमको एग्रोनॉमी पूरा क्रॉप्स पढ़नी है, वो सब बहुत आसान टॉपिक्स हैं। टफ टॉपिक्स भी आएंगे, सेकेंड वॉल्यूम तो पूरा आपको जो है पूरा टर्मिनोलॉजी और इसी टाइप का हाईटेक ही मिलेगा। तो पहला जो हमारा है, ये अभी जो फर्स्ट वॉल्यूम में चल रहा है, इसमें भी सोशल साइंस आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, वो सब टफ आएंगे, वो सब भी पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल अभी जो चल रहा है उसी को हम लोग रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, जरा समझो, तो हम इसमें जो है सबसे पहले प्लांट की अगर बात करें, तो प्लांट को हम देखो जरा, प्लांट में हम लोग जो है फैमिली के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइड करेंगे, कि फैमिली से ही आप में आता है। ठीक है, तो फैमिली के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो पहली फैमिली जो हम लोग को पढ़नी है वो क्या है, वो है पोएसी फैमिली। क्या है? पोएसी। ठीक है, पोएसी फैमिली की अगर हम बात करें, पोएसी फैमिली को ही हम कहते हैं ग्रैमिनी। क्या कहते हैं? ग्रैमिनी। पोएसी फैमिली को ही ग्रैमिनी फैमिली कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं ग्रास फैमिली। ठीक है, क्या कहते हैं? घास वाली फैमिली है, तो हो गया ग्रास फैमिली। तो पोएसी को हम ग्रैमिनी या ग्रास फैमिली कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे आपके, उसकी अगर हम बात करें, तो इसमें हमारे आएंगे पहली बात तो जितने भी हमारे अनाज हैं, अनाज बोले तो सीरियल्स, तो जितने हमारे सीरियल्स हैं यानी जितने हमारे अनाज हैं वो किस में आ जाएंगे? पोएसी में आ जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करें, सुगर केन इसी में आ जाएगा, सुगर केन इसी में आ जाएगा, और जितने भी हमारे मिलेट्स हैं वो भी हमारे पोएसी में ही आते हैं। सीरियल्स में उनको काउंट कर सकते हो, अलग भी कह सकते हो, मिलेट्स हमारे जितने होंगे वो भी किस में आएंगे? पोएसी में आएंगे। इसके अलावा सुगर केन के अलावा नेपियर ग्रास जो हमारी है, नेपियर जो हमारी ग्रास है वो भी किस में आती है? ग्रास फैमिली हमने बता ही दिया है, तो पोएसी में ही आएगी। इसके अलावा पैरा ग्रास जो हमारी होती है वो भी किस में आती है? वो भी हमारी पोएसी में आती है। ये सारे हमारे पोएसी का ही एक भाग है। ठीक है, पोएसी फैमिली के ही सदस्य हैं ये। इसके बाद दूसरी फैमिली की अगर हम बात करें, तो दूसरी फैमिली हमारी है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, दूसरी फैमिली हमारी होती है लेग्यूमिनोसी, और लेग्यूमिनोसी हमारी खुद तीन सब फैमिलीज में डिवाइडेड है। तो लेग्यूमिनेसी की एक सब फैमिली है, लेग्यूमिनोसी की एक सब फैमिली है, जिसका नाम है क्या? पैपिलियोनेसी। क्या नाम है? पैपिलियोनेसी। ठीक है, पेपिलियोनेसी, या इसी को हम कहते हैं क्या? पल्स फैमिली, या इसी को कहते हैं हम क्या? इसी को हम कहते हैं फेबेसी। क्या कहते हैं? फेबेसी कहते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनेसी की एक सब फैमिली है जिसे आप पेपिलियोनेसी या फेबेसी के नाम से जानते हो, और इसमें आती हैं कौन सी चीजें? इसमें आती हैं दाल,
इसमें आती है दाल। अब दाल में आपकी जितनी भी आप जान रहे हो, मटर हो सकता है, ठीक है, अरहर हो सकता है, और जितने भी हमारी हैं सब इसमें आती हैं। लेकिन जिन जिनके विषय में देखो सारी दालें तो आएगी, इसके अलावा क्या आता है जिनको आप दाल के रूप में यूज नहीं करते हो, तो मूंगफली, मूंगफली भी एक प्रकार की हमारी दाल ही है, यानी ग्राउंड नट। ग्राउंड नट भी हमारा किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। गुड इवनिंग बादल, गुड इवनिंग अभय, समझ में आया। तो हमने कहा दालें सारी आ जाएंगी, दाल के अलावा क्या आ जाएगा इसमें, ग्राउंड नट आ जाएगा। ग्राउंड नट के बाद क्या आ जाएगा, सन हेम्प, सन हेम्प बोले तो सनई जिसे आप कहते हो, सन हेम्प भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी आ जाएंगी किसमें, जितनी भी हमारी पल्सेस हैं वो आ जाएंगी, और ग्राउंड नट आ जाएगा, सन हेम्प आ जाएगा, ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं लेग्यूमिनेसी के, पेपलियोनेसी में, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा जो है वो है क्रूसीफेरी। क्या होता है तीसरा, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी में हमारा, क्रूसीफेरी को हम एक और नाम से जानते हैं, मस्टर्ड फैमिली। क्या कहते हैं इसे, हम मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अब आपको ये तो क्लियर हो गया इसमें मस्टर्ड तो आएगा ही आएगा, क्रूसीफेरी या मस्टर्ड फैमिली में, या ब्रैसिकेसी नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। जो नया नाम चलता है वो ब्रैसिकेसी चलता है। ग्राउंड नट दाल नहीं है, बायोलॉजिकली वो दाल ही है, ग्राउंड नट एक प्रकार की दाल ही है लेग्यूमिनेसी में, इसीलिए उसको काउंट करते हैं हम लोग। दाल क्यों नहीं है भाई, दाल के सारे लक्षण उसमें विद्यमान है, आप दाल बना के उसकी खा नहीं रहे हो बस, ठीक है। चलो क्रूसीफेरी या मस्टर्ड फैमिली, इसी को हम ब्रैसिकेसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें सारे के सारे जितने हमारे गार्ड्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। सॉरी ये तो कुकुरबिटेसी बता, क्रूसीफेरी में हमारा क्या आ जाएगा, तो पहले तो हमने बता ही दिया क्या है, सरसों है, मस्टर्ड है, पहला क्या है मस्टर्ड है ही है, मस्टर्ड हमारा इसी में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा, मस्टर्ड के अलावा हमारा राई भी इसमें, जो मस्टर्ड और राई वाला राई है, आर आई वाला, आर वाई ई वाला नहीं, राई भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। रेडिस इसमें आ जाएगा, साइंटिफिक नेम क्या होता है। और इसके अलावा रेडिस के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कैबेज आ जाएगा। कैबेज के जितने भी हमारे कोल क्रॉप्स हैं, इंग्लिश में लिखते हैं कोल क्रॉप्स, कोल क्रॉप्स मतलब गोभी जितनी भी हैं सब आ जाती हैं क्रूसीफेरी में, ठीक है। कोल क्रॉप सारी आ जाएंगी, गोभी वर्गी सारी चीजें इसी में आ जाएंगी, चाहे वो कैबेज हो, चाहे वो कॉलीफ्लावर हो, चाहे वो नॉल खाल हो, जितनी भी चीजें हैं सब इसी में आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम, तो मस्टर्ड हो गया, रेडिस हो गया, और हमारा ये साइंटिफिक नेम से आपको पता चल जाएगा ना, कैबेज कोल क्रॉप्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ब्रैसिका ओलिरेसिया, यानी ये क्या फैमिली हो गई, ब्रैसिकेसी। ऐसे मस्टर्ड का क्या होता है, ब्रैसिका स्पसीज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रैसिका हमारा इसमें भी आ गया, तो मस्टर्ड भी हो गया, ठीक है। ब्रैसिका रापा राई हमारा होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे ये सब रेडिस, ये सब हमारे क्या है, ब्रैसिकेसी फैमिली के हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, सब जो ब्रैसिकेसी हो गया, चौथा हमारा है कुकुरबिटेसी। चौथी फैमिली हमारी क्या है, कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में आपसे पूछा जाए कौन कौन सी फसलें आएंगी, तो कुकुरबिटेसी में हमारी क्या आते हैं, कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स का मतलब है जितने भी हमारे गार्ड्स हैं, जितने भी आल गार्ड्स, जितने भी हमारे गार्ड्स हैं वो किस में आएंगे, कुकुरबिटेसी में। हाँ, रेफेनस सेटाइवस होता है निधि, ठीक है। आल गार्ड, जितने भी हमारे गार्ड्स होंगे वो किस में आएंगे, वो भी हमारे कुकुरबिटेसी में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो जैसे हमारा एग्जांपल हो गया बॉटल गार्ड यानी लौकी, बिटर गार्ड यानी करेला, ठीक है, पॉइंट गार्ड यानी परवल, पंपकिन, इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं वो सब कुकुरबिटेसी में, यानी खीरा, ककड़ी, खरबूजा, ये सब चीजें जो हमारी हैं सब किस में आती हैं, सब कुकुरबिटेसी में आती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारी जो फैमिली है वो है मालवेसी। कौन सी फैमिली है, मालवेसी फैमिली है। और मालवेसी फैमिली में बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप आती है वो आती है कॉटन और भिंडी। कौन सी आती है, कॉटन एंड भिंडी, ठीक है, भिंडी ओकेरा, ठीक है। कॉटन और भिंडी हमारी किस किस फैमिली की है, मालवेसी फैमिली की है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में हमारा आलू है, ठीक है। सोलेनेसी में हमारा क्या है, पोटैटो है, पोटैटो है तो टोमेटो भी है, ठीक है, पोटैटो है, टोमेटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, ठीक है, या टोबैको है, टोबैको है, ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाती हैं, चिली भी है हमारा, मिर्च भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाती हैं, ये सारी हमारी आ जाती हैं सोलेनेसी में। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो फैमिली है, सेवेंथ हमारी नेक्स्ट फैमिली जो है वो है टिलिएसी। टिलिएसी में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है
अक्सर पेपर में पूछा जाता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग रहता है। टिलिएसी की अगर बात करें तो टिलिएसी में हमारा जूट और फालसा दो क्रॉप्स आती हैं और दोनों हमारी इंपॉर्टेंट हैं। जूट एंड फालसा ये दोनों क्रॉप्स किसकी हैं? टिलिएसी फैमिली की हैं। ठीक है, टिलिएसी में क्या आता है? जूट एंड फालसा आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एर्थ नंबर, तो एर्थ में आता है एस्टरेसी। क्या होता है? जिसे आप कंपोजिटी के नाम से जानते हो। दो नाम है, एक तो एस्टरेसी भी इसे कहते हैं, या इसे ही हम कहते हैं क्या, इसे ही हम कहते हैं कंपोजिटी। क्या कहते हैं? कंपोजिटी फैमिली। कंपोजिटी फैमिली या एस्टरेसी फैमिली में हमारा क्या होता है? तो भाई साहब यहां पर सनफ्लावर है, सैफ्लावर है, रनाइजर है, ये तीनों किसमें आते हैं? अगर बात कर रहे हो सनफ्लावर की या बात कर रहे हो सैफ्लावर यानी कुसुम की, सैफ्लावर की बात कर रहे हो या बात करो नाइजर बोले तो रामतिल। ठीक है, सनफ्लावर, सूरजमुखी, सैफ्लावर, कुसुम, नाइजर, रामतिल, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? एस्टरेसी फैमिली में आ जाती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें चिनोपोडिएसी, क्या नाम है? चिनोपोडिएसी। चिनोपोडिएसी फैमिली की अगर बात करोगे तो चिनोपोडियम अल्बम यानी हमारा जो है क्या, स्पाइनेज, पालक। स्पाइनेज की बात करें यानी पालक बोलते हैं, किस फैमिली का है? चिनोपोडिएसी का है। बीट हमारा, बीटा वल्गेरिस, किसका है? चिनोपोडिया का। बीट, बीट रूट जिसे आप बोलते हो, चुकंदर, चुकंदर किसमें आएगा हमारा? चुकंदर हमारा किसमें आ जाएगा? बीट रूट अगर बात करें किसमें आ जाएगा? चिनोपोडिया, चिनोपोडिएसी में। और सुगर बीट हमारा जो शकरकंद है, सुगर बीट, सुगर बीट भी हमारा किसमें आ जाता है? चिनोपोडिएसी में। ठीक है, तो हमने कहा पालक है या चुकंदर है या जो है शकरकंद है, तीनों किसमें आते हैं? तीनों हमारे आते हैं किसमें? चिनोपोडिएसी में। इसके बाद अगर हम टेंथ बात करें पेडालिएसी, तो पेडालिएसी में एक ही चीज फेमस है और बार बार आपसे पूछी भी जाती है, क्या? तिल। तिल बोले तो सीसमम। ठीक है, सीसम या सीसमम जो भी लिखा रहा है, ठीक है, क्या है ये? तिल है। नाइजर हमारा एस्टरेसी में है और तिल किसमें है? पेडालिएसी में है, याद रखना। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम बात करें, एस्टरेसी हो गया, चिनोपोडिएसी हो गया, पेडालिएसी हो गया, यू फोर बीएसी की अगर हम बात करें, यू फोर बीएसी हमारा इसमें क्या आता है? इसमें हमारा आता है कैस्टर, जिसे आप कहते हो अरंड। ठीक है, कैस्टर या अरंड इसमें आता है, और दूसरा इसमें आता है टैपियोका। ठीक है, टैपियोका आता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम यू फोर बी एसी हो गया तो कान वोल वुलेसी। ठीक है, कान वोल वुलेसी इसमें आता है हमारा शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। क्या आता है? स्वीट पोटैटो किसमें आता है? शकरकंद किसमें आता है आपका? ये किसमें आता है? कान वोल वुलेसी में आता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, अच्छा इसके बाद अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट हमारा क्या है? यू फोर बी एसी हो गया, कानवोलेसी हो गया, अम्बेली फेरी। नेक्स्ट हमारा क्या है? अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी में हमारा क्या आता है भाई? धनिया आती है यानी कोरिएंडर आता है। अम्बेली फेरी में क्या आता है? कोरिएंडर आता है। कोरिएंडर के बाद आता है कुमिन यानी जीरा। ठीक है, और आता है गाजर, कैरेट। ठीक है, तो धनिया और गाजर की पत्तियां तो आप लोग देखे हो एक ही जैसी होती हैं, तो इससे आप समझ जाओगे। ठीक है, धनिया हमारा जो है, ठीक है, कुमिन मतलब जीरा हमारा है, और कैरेट मतलब गाजर है, तीनों के तीनों किस में आती हैं? अम्बेली फेरी में आती हैं। ठीक है, लास्ट हमारा दो और बची हैं, एलिएसी हमारा जो है, एलिएसी, एलिएसी में हमारा क्या आता है? तो प्याज और लहसुन यानी ऑनियन एंड गार्लिक, ऑनियन एंड गार्लिक, ये हमारे आते हैं किसमें? एलिएसी में। और लास्ट फैमिली हमारी है जिंजीबरेसी, और जिंजीबरेसी में क्या आ जाएगा? सिर्फ जिंजर आ जाएगी, और जिंजर आ जाएगी, और क्या आ जाएगा? हल्दी आ जाएगी। दोनों एक ही जैसी दिखती ना, जिंजीबरेसी की फैमिली की है। ठीक है, कौन कौन सा आता है? पहला तो हमारा हो गया जिंजर यानी अदरक, और टर्मरिक यानी हल्दी। ठीक है, जिंजर और हल्दी दोनों किसकी है? जिंजीबरेसी की है। ठीक है, चलो जूट, तिल, आंवला, ठीक है, बहुत बढ़िया, अम्बेली फेरी में हाँ आ जाएगा। चलो यहां तक क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन की, यानी क्रॉप्स को हम लोग अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया टर्मिनोलॉजी के अनुसार। ठीक है, अलग अलग क्रॉप का पोएसी पढ़ लिया, पेपिलियोनेसी पढ़ लिया, क्रूसीफेरी पढ़ लिया, कुकरबिटेसी पढ़ लिया, मालवेसी पढ़ लिया, सोलिनेसी भी पढ़ लिया, टिलिएसी, एस्टरेसी, चिनोपोडिएसी, पेडालिएसी, यूफोरबिएसी, कानवोलुलेसी, अम्बेली फेरी, एलिएसी और जिंजरबेसी, सारी हमने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट हम लोग जब मूव करेंगे तो कहां पढ़ना स्टार्ट करेंगे? तो हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन यानी अलग अलग फसलों का प्रकार, जैसे अरेबल क्रॉप्स क्या है, एले क्रॉप्स क्या है, एगोमेंटिंग क्रॉप क्या है, इनको
डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस पे, अरेबल क्रॉप्स पे। पहला हमारा क्या है, अरेबल क्रॉप्स। तो अरेबल क्रॉप्स और कोई फसलें नहीं है, सीधे सीधे समझो, मान लो एक हमारा ये क्रॉप हमको लगानी है, तो इस क्रॉप को लगाने से पहले हमको प्राइमरी टीलेज कंपलसरी है। ऐसी फसलें जिनके लिए मैंने कहा, ऐसी क्रॉप्स जिनके लिए प्राइमरी टीलेज, मैंने कहा क्या, प्राइमरी टीलेज प्राथमिक भू परिष्करण क्या है, एसेंशियल है, यानी जरूरी है, ठीक है। क्रॉप, ऐसी क्रॉप्स मैंने क्या कहा, व्हिच रिक्वायर्स प्रिपरेटरी टीलेज, जिसको आप प्राइमरी टीलेज या प्रिपरेटरी, यानी खेत को आपको, उनको बुआई करने से पहले खेत को आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे, आलू अगर आपको बोना है तो आप बिना खेत को तैयार किए, यानी जीरो टीलेज वाली व्यवस्था में आप आलू नहीं लगा सकते हो, तंबाकू या धान नहीं लगा सकते हो, ठीक है, सुगर केन या मेज नहीं लगा सकते हो। इसका मतलब आपको इनको बुआई करने से पहले खेत में क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी टीलेज या प्रिपरेटरी टीलेज आपको करना पड़ेगा खेत को तैयार करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरा हमारा क्या है, एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग क्या होगा, सच एरेबल क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन एलेज और पैसेज फ्रॉम बाई ट्री और श्रब एस्टैब्लिश मेनली टू द हास एंड सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोरेशन एनहेंस सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। देखो, दूसरा मैंने जो आपको बताया है क्या है, दूसरी फसल जो मैं बता रहा हूं वो है एले क्रॉपिंग। क्या है, एले क्रॉपिंग। आप कहोगे एले का मतलब क्या है, तो एले का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, यानी टर्म का मतलब क्या है, टर्म का मतलब है पैसेज। क्या है, पैसेज, खाली जगह। तो मैंने कहा जहां पर आपने, मान लो ये हमारा खेत है, ठीक है, अब आपने यहां पर क्या किया, पेड़ लगा दिए, ठीक है, आपने कहा कि हम वृक्षारोपण करेंगे, आपने यहां पर पेड़ लगा दिए बड़े बड़े, ठीक है, यहां पर आपने वृक्षारोपण करके फॉरेस्ट बनाया और पेड़ लगा दिए, ठीक है, बाग लगाया आपने मान लो। तो यहां पर जब पेड़ लगाओगे तो पेड़ों को ज्यादा जगह चाहिए होती है, उसके बीच में ये खाली स्थान जो पड़ा है, ये खाली स्थान, इसे हम कह देंगे पैसेज। क्या कह देंगे, पैसेज, या इसे हम कह देंगे एले, गली। एले का मतलब होता है गली, पैसेज या एले। यहां पर जब हम क्रॉप लगाएंगे, यहां पर हम क्या लगा दें, क्रॉप लगा दें, तो ऐसी क्रॉप कहलाएगी क्या, एले क्रॉप। अच्छा, अब इसकी खासियत क्या होगी, पेड़ों के बीच में जब कोई फसल लगाई जाती है, इसका मतलब है ये क्रॉप कैसी होगी, ये क्रॉप होगी हमारी शेड लविंग, छाया को पसंद करने वाली। तो शेड लविंग क्रॉप हमेशा लगाओगे आप यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इधर उधर पेड़ लगे हैं तो धूप बहुत ज्यादा नीचे नहीं पहुंचेगी, छाया ज्यादा रहेगी, तो छाया ज्यादा रहेगी तो छाया को पसंद करने वाली फसलें आप लगाओगे, ठीक है, बात समझ में आया। अच्छा, और जब आपने इस जगह को फुलफिल कर दिया है, खाली जमीन नहीं पड़ी है, तो इससे क्या होगा, इरोजन भी हमारा कम हो जाएगा, इरोजन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, इरोजन कम हो जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहां पर कभी भी आप ऐसी फसलें नहीं लगाओगे जो लताओं में, मतलब जिनके क्या होते हैं, फैलाव जिसमें होता हो, ठीक है, जो फैलने वाली फसलें होती हैं उनको आप इसमें नहीं लगाओगे, ठीक है, ट्रेलिंग, नॉन ट्रेलिंग हैबिट वाली होनी चाहिए, ठीक है, फैलाव ना हो, जैसे अंगूर, लता, लता नहीं आप लगा सकते हो, क्या कहते हैं इसे, ट्रेलिंग का मतलब होता है लताएं, ठीक है, लताएं ना हो, ठीक है, आप लगाओगे ऐसी फसल जो जिसमें लताएं ना पाई जाती हो, जो फैलती ना हो, ठीक है, ऐसी फसलें आप लगा सकते हो। एरेबल क्रॉप की अगर बात करूं एग्जांपल की, तो आप देखोगे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं एरेबल क्रॉप में, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो आप देखोगे जो हमारा यूकेलिप्टस है, जो हमारा सुबबूल है, जो हमारा कैसिया है, इसके एलेज में हम शकरकंद, उड़द, हल्दी, अदरक, ऐसी चीजें लगा लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि भाई साहब जो यूकेलिप्टस है हमारा, क्या है, यूकेलिप्टस जो हमारा है, या यूकेलिप्टस के अलावा मैंने क्या बताया, मैंने कहा सुबबूल, क्या है, सुबबूल, या मैंने कहा कैशिया, कैशिया, इनकी की गली में, इनकी गली या पैसेज में हम क्या लगा दें, हल्दी लगा दें या अदरक लगा दें, हल्दी लगा दें, अदरक लगा दें, या शकरकंद लगा दें, ठीक है, हल्दी लगा दो, अदरक लगा दो, उड़द लगा दो, शकरकंद लगा दो, ये सब चीजें आप लगा सकते हो, और इसे हम कहेंगे एले क्रॉपिंग, ठीक है, समझ में आया। जहां ना समझ में आया जो बता देना, मैं तुरंत रिपीट कर दूंगा जिससे आपको समस्या ना हो। एगोमेंटिंग क्रॉप क्या है, सच क्रॉप आर सोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप। मतलब देखो, दो फसलें लगानी है हमको, दो फसलें एक खेत में लगानी है, ठीक है, एक हमने क्रॉप लगाई, एक हमने इंटरक्रॉप लगाई है।
लेकिन इंटरक्रॉप लगाने में हमने क्या ध्यान दिया है कि वो मेन क्रॉप के उत्पादन को बढ़ा देती हो। जब हम एक फसल लगा रहे हैं कि वो हमारी मुख्य फसल के उत्पादन को बढ़ा दे, यानी एक मुख्य फसल है, एक इंटरक्रॉप है, इंटरक्रॉप ऐसी लगाएंगे जो मुख्य फसल के उत्पादन को बढ़ा दे। सारी प्रैक्टिसेस हम जो करेंगे वो मेन क्रॉप के अकॉर्डिंग करेंगे और इंटरक्रॉप सिर्फ क्या करेगी, बढ़ावा दे दे उत्पादन को, किसके, मेन क्रॉप के। तो ऐसी फसल कहलाती है एगमेंटिक क्रॉप। जैसे हम बात करते हैं चाइनीज मस्टर्ड विद बरसीम, जब हम चाइनीज मस्टर्ड को बरसीम के साथ लगा देते हैं, चाइनीज कैबेज को मस्टर्ड के लगा देते हैं, तो यहां पर जापानीज मस्टर्ड जो है, सॉरी जापानी चाइनीज बता रहे, जापानीज मस्टर्ड जो है ये बरसीम के उत्पादन को बढ़ा देता है। वहीं चाइनीज कैबेज क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्रदान करने का काम करता है, किसको, मस्टर्ड को। यहां पर आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं, एगमेंटिक क्रॉप इसे कहते हैं। बरसीम के साथ अगर जापानी सरसों लगा दोगे तो बरसीम की पहली कटाई जो है उसमें अधिक उत्पादन होगा, फर्स्ट जब आप फर्स्ट हार्वेस्टिंग करोगे तो उत्पादन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगली फसल की अगर बात करें एवेन्यू क्रॉप, तो एवेन्यू क्रॉप क्या होती है जरा समझो। Such crop are grown along farm road and fences. Avenue crop में हमने क्या कहा, ये हमारा खेत है, ठीक है, ये हमारा खेत है। अब इस खेत में मान लो यहां पर रोड है, ठीक है, यहां पर रोड है, तो यहां रोड के किनारे किनारे हम लगा देंगे क्रॉप, ठीक है। खास तौर पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको रक्षा करवानी है, ठीक है। तो यहां हम क्या लगा देंगे, अरहर, ग्लैरिसीडिया, सिसल, ये लगाते रहे, ठीक है। हमने कहा फार्म रोड या फेंसेस के किनारे, जहां फेंसेस लगे होंगे, जहां फार्म रोड लगे होंगे, उन फेंसेस के किनारे थोड़ा सा ऊंची उगने वाली फसलों को लगा देंगे, जिससे हमारे खेत की रक्षा होती रहेगी, ठीक है। तो हमने कहा फार्म रोड या फेंसेस के किनारे जब हम फसल लगा देंगे तो उसे क्या कहेंगे, एवेन्यू क्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे, एवेन्यू क्रॉप कहेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं बॉर्डर क्रॉप की, तो बॉर्डर क्रॉप भी वही काम कर रहा है। सच क्रॉप हेल्प टू प्रोटेक्ट अनादर क्रॉप फॉर द ट्री स्पेसिंग ऑफ एनिमल एंड रेस्टिंग द स्पीड ऑफ विंड आर मेनली ग्रोन एट बॉर्डर क्रॉप, ठीक है। यहां मैंने एवेन्यू क्रॉप में क्या कहा था, एवेन्यू क्रॉप हमेशा कहां लगाई जाएगी, फार्म की रोड के किनारे। चारों तरफ रोड नहीं है, चारों तरफ फेंसेस नहीं, तो नहीं लगाएंगे हम, क्या लगा, कहां लगा रहे हैं, फार्म के रोड के किनारे। लेकिन जब खेत के चारों तरफ, खेत के चारों तरफ हम एक फसल लगा देते हैं, एक फसल लगा देते हैं खेत के चारों तरफ, ठीक, यहां बॉर्डर क्रॉप को समझा रहे हैं, ठीक है। खेत के चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक फसल लगा दे रहे हैं जो खेत की सुरक्षा करेगी बाहर के एनिमल से, बाहर के एनिमल से आपकी रक्षा करेगी, तेज हवाओं से फसल की रक्षा करेगी, तो ऐसी फसल हमारी बॉर्डर बैरियर या गार्ड क्रॉप कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करते हैं, चना हमने लगाया है, तो चने के चारों तरफ हम क्या करेंगे, कुसुम की खेती कर देंगे। कुसुम में पाए जाते हैं कांटे, तो कोई भी जानवर चना खाने के लिए खेत के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि बाहर जो हमने बैरियर क्रॉप लगाया है, गार्ड क्रॉप लगाया है, उसमें कांटे हैं, तो कोई भी जानवर अंदर एंटर नहीं करेगा। ये एग्जांपल हो सकता है बॉर्डर बैरियर या गार्ड क्रॉप का। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेक क्रॉप की, क्या है ब्रेक क्रॉप, तो टू ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ फील्ड अंडर द मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम टू रिड्यूस द इनोकुलम ऑफ स्वीट बॉर्न हार्मफुल बायो एजेंट सच एज वीड, पेस्ट, इंप्रूव सॉइल कंडीशन एंड क्रॉप ग्रोथ, लेग्यूम इन राइस, फीड सिस्टम। देखो आप क्या कर रहे हो, ब्रेक आपको देना है, ब्रेक, तो ब्रेक में आप क्या करते हो, मान लो आप पढ़ रहे हो, कहते हो हमको ब्रेक लेना है, तो क्या करते हो, ब्रेक में पढ़ाई करते हो, नहीं करते हो, आप कहते हो कि ब्रेक लेंगे तो ऐसी चीज करेंगे जो हमारा पढ़ाई से दिमाग डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा उसको फ्रेश करने के लिए कोई नई चीज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बतियाने लगो किसी से, या अपना जो है मूवी देखने लगोगे, शॉर्ट्स आजकल रील वगैरह खूब देखोगे, बना लोगे रील नहीं कुछ तो, ठीक है। तो ये एक हो गया, आप कहते हो ब्रेक लिए हम, ठीक है, लोग कहते सुट्टा ब्रेक, तो गए सुट्टा पी लिए, ब्रेक हो गया। अच्छा, अब क्रॉप को भी ब्रेक देना है, फसल को भी ब्रेक देना है, अपनी भूमि को भी ब्रेक देना है। तो ये हमारा एक खेत था और इस खेत में हम लगातार क्या उगा रहे थे, व्हीट और पैडी का एक हम क्या चला रहे थे, क्रॉपिंग सिस्टम चला रहे थे, गेहूं लगा दे रहे थे रबी में और खरीफ में लगा दे रहे थे धान, यही बुआई का पैटर्न चल रहा था। लेकिन आपने कहा कि अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के लिए आपने क्या किया, कोई लेग्यूम फसल लगा दी। अब लेग्यूम फसल लगाने से फायदा क्या हुआ भाई साहब, लगातार जो एग्जॉस्टेस क्रॉप आप यूज कर रहे थे, इससे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा उर्वरा शक्ति लॉस हो रही थी, लेग्यूम लगाने से वो फायदा हो गया। जो धान और पैडी जो सॉयल की अपर लेयर से सारे पोषक तत्व ग्रहण कर रहे थे, यहीं से ग्रहण कर रहे थे, जो दलहन आप लगाएंगे वो गहराई से पोषक तत्व और पानी लेकर आएगी, तो भाई साहब वाटर बैलेंस भी बना, न्यूट्रिएंट बैलेंस भी बना। तो ये सारी चीजें आपने ब्रेक क्रॉप के थ्रू कंप्लीट कर ली। जरा और देखते हैं इसमें क्या लिखा है,
हाँ, और इसके अलावा कोई पर्टिकुलर जो रोग होगा जो सीरियल्स में लग रहा होगा, पर्टिकुलर जो कीट होगा जो सीरियल्स में लग रहा होगा, जो धान और गेहूं को ही खाता होगा, आपने क्या किया, आपने जैसे ही ब्रेक लगाया अगली फसल आपने लेग्यूम लगा दी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो कीड़ा धान या गेहूं को खाने वाला होगा वो दाल को नहीं खाएगा और हमारी दाल सेफ बची रहेगी और वो कीड़ा भी मर जाएगा अगली फसल नहीं लगने की वजह से। ठीक है, विंड स्पीड भी हमारी प्रोटेक्ट हो जाएगी, तो इरोजन भी कम होगा, ये सारी चीजें हमारी फायदा करेंगी, इसीलिए हमको ब्रेक क्रॉप लगानी होती है। लगातार आप सीरियल्स अगर खेत में उगाते हो तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेक क्रॉप। कैश क्रॉप जो हमको तुरंत हार्ड कैश प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे हमारा जूट है, कपास है, तंबाकू है, गन्ना है, सारी चीजें हमको हार्ड कैश प्रोवाइड करवाती हैं। कैच क्रॉप की अगर बात कर रहे हैं आप, तो कैच क्रॉप क्या होगा भाई साहब, कैच क्रॉप की हम बात कर रहे हैं अब आपसे। हमने कहा आपने क्या किया था, एक फसल लगाई थी आपने, ये हमारा साल का टाइम पीरियड है, ठीक है, आपने प्लान, आपने क्या कहा, हम प्लान बना रहे हैं पहले, और प्लान बनाया कि भाई साहब हम क्या करेंगे, गेहूं लगाएंगे और गेहूं हमारा क्या करेगा 6 माह में कटकर तैयार हो जाएगा, फिर हम लगाएंगे धान, ये आपका प्लान था, ठीक है, 6 माह में धान हमारा तैयार हो जाएगा, ये आपका प्लान था किसके लिए, 2022 के लिए मान के चलो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब ये 1 महीने का आपका गेहूं था या 2 महीने का आपका गेहूं था, मान लो 2 महीने का आपका ये गेहूं था, यहां मान लो आपको 2 माह हुए थे, 2 माह हुए थे, और गेहूं क्या हुआ, पाला पड़ गया, यहां पर क्या पड़ गया, पाला पड़ गया और फसल नष्ट हो गई। अब अगली बुआई आपको यहां करनी है कब, जून में, धान बोना है जून में, अब यहां 2 महीने में खेत खाली हो गया दिसंबर में, अब दिसंबर से जून तक ये हमारा खेत क्या पड़ा रहा, खाली पड़ा रहेगा, तो यहां पर जब पहली फसल जो हमारी खराब हो गई थी, अब यहां पर गेहूं की बुआई आपने की थी, पैसा खर्च किया था, तो वो तो लॉस हुआ ही, खेत लंबे समय तक खाली पड़ा रहेगा तो आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो यहां पर कम अवधि की, यहां पर हम क्या करेंगे, कम अवधि की फसल लगा देंगे, जो अगली फसल में फसल चक्र को बर्बाद भी ना करे, हमारा जो क्रम है वैसा भी चलता रहे, तो इस फसल को हम क्या कहेंगे, कैच क्रॉप कहेंगे, क्या कहेंगे, अगली फसल को पकड़ने के लिए आपने लगाया, इसलिए क्या हो गया, कैच क्रॉप हो गया। मैंने कहा सच क्रॉप आर कल्टीवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन, अगले सीजन को पकड़ने के लिए, व्हेन मेन क्रॉप इज फेल्ड, जब आपकी मुख्य फसल क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, फेल हो गई थी, दे आर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, क्विक ग्रोइंग, फास्ट बल्किंग, हार्वेस्टेबल ऑन यूजेबल एट ए टाइम। हमने कहा बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी, बहुत जल्दी आपकी जो है आप शॉर्ट ड्यूरेशन वाली रहेंगी और अच्छा खासा मुनाफा आपको प्रोवाइड करवा देंगी, कम समय में तैयार होने वाली किसी भी फसल को आप इसमें कैच क्रॉप के तौर पर यूज कर सकते हो। जैसे हमारा मूंग है 3 महीने में तैयार हो जाता है, उड़द हमारा 3-4 महीने में तैयार हो जाता है, काउपी लोबिया हमारा 2-3 महीने में तैयार हो जाता है, ऑनियन रेडीस हमारे ये भी 2-3 महीने में तैयार हो जाते हैं, सब 2-3 महीने वाली फसलें जितनी भी हैं आपकी, उसे आप जो है यूज कर सकते हो कैच क्रॉप के तौर पे। न्यू व्हाट्सएप स्टेटस, गुड इवनिंग ब्राता। चलो नेक्स्ट क्रॉप हम क्या कहें, क्लीनिंग क्रॉप। देखो ऐसी फसल आपने लगाई कि खेत पूरा हो गया साफ सफा चट, जब आपने फसल की कटाई करी तो आपका खेत क्या हुआ, सफा चट हो गया, तो उसे कहेंगे क्लीनिंग क्रॉप। हुज एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस मेक द फील्ड क्लीन, जैसे आपने आलू की जब आप खुदाई करते हो तो वहां पर एक खरपतवार नजर आता है, नहीं नजर आता है। मेज जब आप जो है कल्टिवेशन करते हो मेज का फाइनली, तो वहां पर कोई भी खरपतवार नजर नहीं आता है। इसका मतलब है कुछ ऐसी फसलें हैं जो क्या करती हैं, मिट्टी को एकदम साफ कर देती हैं, फील्ड को एकदम क्लीन कर देती हैं, और ऐसी फसलें हमारी क्लीनिंग क्रॉप्स कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूं कोल क्रॉप्स, तो मैंने कहा था कोल जो है, कोल हमारा क्या है, कोलवर्ट से लिया गया है, कोलवर्ट से लिया गया है, जो एक प्रजाति थी किसकी, वाइल्ड कैबेज की, कोलवर्ट। ठीक है, कोल क्रॉप्स हमने जो शब्द लिया, ठंडी में उगने वाली क्रूसीफेरी कुल की जो हमारी सब्जियां थी, उन सब को हमने एक एक भाग में काउंट कर दिया, जिसे हमने कोल कहा। गोभी वर्गीय, हिंदी में बोलते हैं गोभी वर्गीय फसलें। ठीक है, कोल क्रॉप्स में तो गोभी वर्गीय सारी आ जाएंगी, चाहे वो कैबेज, कैबेज मतलब पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ब्रुसेल्स स्प्राउट हमारा जिसे आप ब्रोकली कहते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी आ जाएंगी किसमें, कोल क्रॉप्स में। नॉल खाल भी आ जाएगा जिसे आप गांठ गोभी कहते हो। कंटूर क्रॉप्स हमारा, कल आपको इतना पढ़ाने के बाद अगर आपको समझाना पड़ जाए, जब हम क्या करें, कंटूर का मतलब समोच्च, समोच्च का मतलब है समान ऊंचाई पर, कंटूर लाइन पर अगर हम खेती कर रहे हैं जिससे इरोजन हमारा ना हो और वाटर कंजर्वेशन हो, तो उसे हम कहेंगे कंटूर, कंटूर क्रॉप्स। इसमें मार्वेलस क्रॉप हम लोग अक्सर लगाते हैं कंटूर क्रॉप्स के तौर पर। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉमर्शियल क्रॉप्स की, तो क्या है कॉमर्शियल क्रॉप, जरा समझो। सच क्रॉप आर ग्रोन टू अर्न मनी। कॉमर्शियल क्रॉप क्यों उगाते हैं,
पैसा कमाने के लिए। कॉमर्शियल और कैश क्रॉप में बहुत अंतर नहीं है, जितनी भी हमारी जो कैश क्रॉप है वही कॉमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। कॉमर्शियल क्रॉप पैसा कमाने के उद्देश्य से उगाई जाती है, जूट, कॉटन, टोबैको, सुगर केन सब कैश क्रॉप है, सारी कॉमर्शियल क्रॉप भी है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अच्छा, कवर क्रॉप की अगर मैं बात करता हूं, कवर क्रॉप क्या होता है, देखो भाई साहब, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो सॉयल में इरोजन को बढ़ा देती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो इरोजन को कम कर देती हैं, रसिस्ट कर देती हैं, उसे हम बोलते हैं इरोजन रसिस्टिंग क्रॉप। इरोजन को कम करने के लिए फसलों को क्या करना पड़ता है, मिट्टी को पूरा पकड़ के रखना पड़ता है। जो ऐसी फसलें हैं जो सॉयल को एकदम पकड़ कर कवर करके रख देती हैं, ढक कर रख देती हैं, ऐसी फसलें कवर क्रॉप कहलाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इरोजन को कम करना, ठीक है। तो हमने कहा एबल टू प्रोटेक्ट द सॉयल सर्फेस फ्रॉम द इरोजन थ्रू देयर ग्राउंड कवरेज फोलियज एंड रूट मैट्स लाइक लोबिया, ग्राउंड नट, ओड, पैराग्रास, स्वीट पोटैटो, ये सब क्या करती हैं, पूरी फसल को पकड़ के रखेंगी, जमीन को पकड़ के रखेंगी, इरोजन को कम करेगा। इसीलिए इन फसलों का यूज ही हम कहां करते हैं, एले क्रॉप्स में करते हैं, उनके बीच में, पेड़ों के बीच में, ठीक है, क्योंकि वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, वहां भी इरोजन की समस्या होती है, उसको कम करके रखती हैं। इसके बाद मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री, तो जब मैं बात करता हूं कॉम्प्लीमेंट्री, तो यानी हम तुमको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, तुम हमको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, यानी दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। Each other crop is benefited. दोनों एक दूसरे को इंटरक्रॉप में फायदा पहुंचा, जैसे मैंने कहा ज्वार एंड लोबिया, ज्वार और लोबिया दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ज्वार को मिल जाता है लोबिया से नाइट्रोजन, क्योंकि वो एक लेग्यूम क्रॉप है, लेग्यूम क्रॉप क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, तो उसको नाइट्रोजन मिल गया ज्वार को। वहीं लोबिया फैलने वाली फसल है, उसको चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, अब बांस लगाते लोबिया लगाने के लिए, तो वहां पर ज्वार के ऊपर वो चढ़कर उसको स्पेस मिल गया, सपोर्ट मिल गया, इसका मतलब लोबिया को मिला सपोर्ट और ज्वार को मिल गया नाइट्रोजन, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की और दोनों का प्रोडक्शन बढ़ गया। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, जब दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप, ठीक है। कॉम्पिटिटिव, दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। दो सीरियस क्रॉप एक साथ आप लगा दो, दोनों वीड के लिए, मतलब दोनों पानी के लिए लड़ रहे हैं, दोनों लाइट के लिए लड़ रहे हैं, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लड़ रहे हैं, दोनों जगह के लिए लड़ रहे हैं, जब आपस में वो लड़ेंगे तो उसे बोलेंगे कंपटीटिव क्रॉप, कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या है, ना एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना एक दूसरे को फायदा। अगर आपने मक्के के साथ में कोई कुकुरबिटेसी कुल की फैमिली का फसल लगा दिया, जैसे आपने मक्के के साथ परवल लगा दिया, मक्के के साथ खरबूजा लगा दिया, मक्के के साथ तरबूज लगा दिया, मक्के के साथ आपने करेला लगा दिया, तो ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं ना फायदा पहुंचाते हैं, ऐसी क्रॉप्स हमारी कहलाती हैं सप्लीमेंट्री क्रॉप्स। तीनों कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लीमेंट मतलब हम तुमको कॉम्प्लीमेंट दे, तुम हमको दो, दोनों को फायदा हो जाए। कंपटीशन तो आप समझ ही रहे हो, नुकसान हमेशा देगा, एक दूसरे से कंपीट करोगे तो नुकसान होगा। सहयोगात्मक रवैया अपनाओगे तो भाई सब कॉम्प्लीमेंट्री, सहयोग नहीं करो, विरोध कर रहे हो तो क्या है, कॉम्पिटिटिव। और यहां पर सप्लीमेंट्री है, ना हम सहयोग करेंगे ना विरोध करेंगे, अपना काम आप करो अपना काम हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्रॉप्स, ठीक है। एनर्जी क्रॉप्स, यहां एक छूट गया है, एग्जॉस्टिक क्रॉप यहां पर एक और था, 16 के बस इधर 18 आ गया, चलो ठीक है मैं बता देता हूं, फिर भी मैं बता देता हूं आपको, एक जो फसल यहां पर शायद जो हमारे टाइपर महोदय हैं उन्होंने छोड़ दिया है, तो जरा समझ लो एग्जॉस्टिव क्रॉप क्या है। एग्जॉस्टिव क्रॉप का मतलब है ऐसी फसल लगाना जो हमारी सीरियल्स है, ठीक है, ऐसी सीरियल क्रॉप्स हैं जो क्या करती हैं, एग्जॉस्ट कर देती है, यानी मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स का ज्यादा से ज्यादा लॉस कर रही हैं, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का ज्यादा से ज्यादा लॉस कर रही हैं, यानी धीरे धीरे मृदा इनको लगातार उगाने की वजह से अपनी पोषक तत्वता को खो दे रही है, फर्टिलिटी को कम कर दे रही है, दैट क्रॉप्स आर नोन एज एग्जॉस्टिव क्रॉप, ठीक है। ऐसी फसलें मैंने कहा सच टाइप ऑफ क्रॉप्स आपने लगाया जो क्या कर रही हैं, सॉइल को एग्जॉस्ट कर दे रही हैं, उसमें जितना नाइट्रोजन था, जितना पोषक तत्व थे, जितने न्यूट्रिशन थे, सब उन्होंने चूस लिए, तो मिट्टी क्या हो रही है, धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रही है, ऐसी फसलें एग्जॉस्टिव क्रॉप हमारी कहलाती हैं। इसके बाद 18 नंबर पे अगर मैं बात करूं एनर्जी क्रॉप्स, तो ऐसी जिनसे लिक्विड एनर्जी जैसे इथेनॉल या एल्कोहल बनाया जा सके उसे हम कहेंगे एनर्जी क्रॉप, जैसे गन्ने से आप इथेनॉल बनाते हो, पोटैटो, मेज, टैपियोका, ये सब हमारी एनर्जी क्रॉप्स हैं, ये सब हमारी क्या करती हैं, इथेनॉल का प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। फाउलिंग क्रॉप क्या है, हुज कल्चर प्रैक्टिस अलाउ द इन्फेस्टेशन ऑफ वीड इंटेंसली। देखो कुछ फसल करने फसल पद्धति ऐसी हैं, कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो क्या करती हैं, वीड को जानबूझकर बढ़ावा देती हैं,
ठीक है, बीड को बढ़ावा दे रही, खरपतवार को बढ़ावा दे रही है बड़े पैमाने पर, ऐसी फसलें हमारी फाउलिंग क्रॉप्स कहलाती हैं। जैसे अगर हम डायरेक्ट सीडेड अपलैंड राइस की बात करें, रोपाई ना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट सीडेड अपलैंड राइस में अगर हम लगाते हैं, डायरेक्ट सीडेड अपलैंड राइस करेंगे तो वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर खरपतवार पैदा होंगे और इसीलिए उसे हम फाउलिंग क्रॉप के नाम से जानेंगे। ले क्रॉप्स की अगर बात करूं मैं, ले जहां भी आ जाए मतलब समझ जाना चारा की बात हो रही है। कोई भी क्रॉप का ऐसा कॉम्बिनेशन जो चारा के लिए, ग्रेजिंग के लिए या हार्वेस्ट करके पशुओं को खिलाने के लिए आप ऐसा फसल चक्र अपनाते हो तो उसे ले क्रॉप्स कहेंगे। जैसे बरसीम प्लस मस्टर्ड आपने लगाया, सच क्रॉप इज कॉल्ड ले क्रॉप। बरसीम प्लस मस्टर्ड आप लगाओगे पशुओं को खिलाने के लिए तो दैट इज ले क्रॉप। ले क्रॉप का मतलब सीधा सीधा क्या है, चराई से है या पशुओं को बस खाना देने से, फॉडर से मतलब है। ले का मतलब सीधा सीधा समझो फॉडर क्रॉप से, क्या है फॉडर, फॉडर मतलब चारा, चारा वाली फसलें किसमें आ जाएंगी ले क्रॉप्स में आ जाएंगी। मल्च क्या है, तो मैंने कल आपको बताया था सॉइल कंजर्वेशन में, जब आप किसी ऐसी, जब मैंने मल्च में बताया था, मल्चिंग बताया था, तो मैंने क्रॉप भी कहा था और साथ में मैंने कहा था क्रॉप के अलावा भी कुछ आप अगर आप यूज करते हो पॉलीथीन वगैरह जो मिट्टी की नमी को बचा कर रखता है तो उसे आप मल्चिंग कहोगे। तो ऐसी फसल जो मिट्टी की नमी को बचा कर रखे वो मल्च क्रॉप हो जाएगी। टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर सच क्रॉप आर ग्रोन, जैसे हमारा लोबिया, लोबिया क्या करती है सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करती है, जितनी भी दलहनी फसलें सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करती है तो उन्हें आप मल्च क्रॉप के तौर पर उगा सकते हो। नर्स क्रॉप सच क्रॉप हेल्प इन द नॉरिशमेंट ऑफ अदर क्रॉप, एक फसल जो दूसरी फसल की हेल्प कर रही है किसमें भाई साहब, अपनी हर तरीके से, बाय प्रोवाइडिंग सेड एंड एक्टिंग एज क्लाइंबिंग स्टिक, जैसे हमने ज्वार और काउपी बताया था, एक दूसरे की नर्स क्रॉप भी लगभग कैसी है, कॉम्प्लीमेंट्री जैसी ही है, एक दूसरे की हेल्प करे। ठीक है, राई में आपने मटर लगा दिया, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रही है, ज्वार में आपने काउपी लगा दिया, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रही है। एक फसल दूसरे को मतलब दोनों एक दूसरे के भले ना कर रहे हैं, एक दूसरी को मतलब एक फसल जो है दूसरे को बहुत फायदा पहुंचा रही है, दिस इज कॉल्ड नर्स क्रॉप। ठीक है, एक फसल इसीलिए लगाई गई कि वो दूसरी को फायदा पहुंचा सके। ठीक है, चलो इसके बाद अगर बात करूं पैरा या उटेरा, तो पैरा या उटेरा क्रॉपिंग क्या है, ग्रोन ऑफ सच क्रॉप सोन ए फ्यू डेज बिफोर, देखो ये रिले क्रॉपिंग ही है। पैरा या उटेरा क्रॉप क्या है, रिले क्रॉप है। अब रिले क्रॉप क्या है, रिले क्रॉप का मतलब सीधा सीधा है भाई साहब कि एक फसल आपने यहां लगाई है, यह है सोइंग टाइम और यह है कटाई हार्वेस्टिंग टाइम। अब इस फसल की कटाई से पहले आपने दूसरी फसल लगा दी, ठीक है, यानी पहली वाली फसल कटने से पहले आप क्या कर दे रहे हो, यहां पर अगली फसल लगा दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड पैरा या उटेरा क्रॉपिंग। मध्य प्रदेश में से पैरा उटेरा कहा जाता है रिले क्रॉप को ही। तो हमने क्या कहा, ग्रोइंग ऑफ सच क्रॉप सोन अ फ्यू डेज वीक बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग मेच्योर क्रॉप इज कॉल्ड पैरा और उटेरा क्रॉपिंग, द सोन क्रॉप इज कॉल्ड पैरा उटेरा क्रॉप। जैसे लेथायरस में आप क्या लगा दो, धान में आप लगा दो लेथायरस, पैरा क्रॉपिंग इज सक्सेशन में कॉन्स्टिट्यूट रिले क्रॉपिंग, इसी को रिले क्रॉपिंग भी कह सकते हैं। पेयर्ड रो क्रॉपिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब क्या है, पेयर्ड रो ईच थर्ड रो इज रिमूव्ड। पेयर्ड रो में मैंने क्या कहा, देखो मान लो आपने क्या किया है, आपको फसल लगानी है तो आप ये एक लाइन में आपने उगाया, ठीक है, दूसरी एक लाइन में उगाया, ठीक है, तीसरी एक लाइन में उगाया, चौथी एक लाइन में उगाया, मान लो आपने ऐसे लगाना था, लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई हम पेयर्ड रो क्रॉपिंग करेंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, तो आपने क्या किया, हर तीसरी लाइन को आपने ऐसे गायब कर दिया। ठीक है, दो दो के सेट में आपने यहां पर, दो दो के सेट में आपने क्या किया, यहां पर खेती करी ऐसे, ये हमारी कहलाएगी, ये हमारी एक रो हो गई, यहां पौधा लगाया, यानी आपने कहा ये एक हो गया, एक हो गया, ये एक हो गया, यहां पर तीसरी रो गायब है इसलिए यहां पर जगह खाली दिखेगी, यानी दो दो के सेट में आपने देखा ऐसे फसल लगी है, दैट इज कॉल्ड पेयर्ड रो क्रॉपिंग। हमने कहा ईच थर्ड रो इज रिमूव्ड और ग्रोइंग क्रॉप और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द पेयर्ड रो इज कॉल्ड पेयर्ड रो क्रॉपिंग, इज सुटेबल फॉर द ड्राई लैंड ऑब्जेक्टिव कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। इससे क्या होगा, सॉइल मॉइस्चर हमारा कंजर्व रहेगा, यहां पर हमारा जो है जो खाली स्थान है यहां पर आपने क्या किया, मॉइस्चर का कंजर्वेशन कर लिया, मॉइस्चर का कंजर्वेशन कर लिया, जिससे हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, तो हम ड्राई फार्मिंग में इसको यूज करते हैं जहां पर पानी की कमी है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं रिस्टोरेटिव क्रॉप, रिस्टोरेटिव क्रॉप क्या है, सच क्रॉप प्रोवाइड अ गुड हार्वेस्ट अलॉन्ग विद द एनरिचमेंट और रिस्टोरेशन और एमेलियोरेशन ऑफ द सॉयल। ठीक है, रिस्टोरेटिव क्रॉप है जो सॉयल की, जो हमारी सॉयल की हमारी जो है वो है न्यूट्रिशन वैल्यू है,
उसमें क्या कर दे, सुधार कर दे, उसको और बेहतर बना दे, रिस्टोर कर दे रही, रिस्टोरेटिव क्रॉप, क्या कर दे रही, रिस्टोर कर दे रही, एकदम सॉइल को कह रही भैया तुम फ्रेश फील करो आज, तुमसे कुछ ले नहीं रहे, उल्टा तुमको दे के जा रहे हैं। यानी ऐसी फसल की कटाई के बाद मिट्टी क्या हो जाए, और बेहतर हो जाए, इनरिच हो जाए, सुधार हो जाए उसमें, उसे कहेंगे रिस्टोरेटिव क्रॉप। और भाई लेग्यूम ही तो ऐसा काम कर सकती है, तो लेग्यूम्स वाली सारी क्रॉप रिस्टोरेटिव क्रॉप हो जाएंगी। रिपेरियन क्रॉप ग्रोन अलोंग द इरिगेशन एंड ड्रेनेज चैनल्स ओवर द वाटर बॉडीज, ठीक है। रिपेरियन क्रॉप क्या होंगी, जहां पर आपका जो है क्या है, वाटर चैनल हमारे है उसमें आपने लगा दिया, जहां पर आपका सिंचाई का पानी भरा हुआ है वहां पर आपने लगा दिया, वहां पर जो फसलें लगाओगे उसे आप रिपेरियन क्रॉप कहोगे। जैसे वाटर बिंड वीड, जो हमारा कलमी शाक है या पैराग्रास है, ये हमारी क्या है, ये पानी में, पानी से सॉइल के इरोजन को, यानी आपने क्या कहा, हमने कहा ये पानी का बहाव है, ठीक है, हमने कहा कुछ फसलें आप लगा रहे हो, ये हमारा पानी बह रहा है, इसके किनारे किनारे आप यहाँ पर फसल लगा दे रहे हो, इससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव ना बढ़े आगे। ये फसल जो आप लगा रहे हो ये हमारी क्या है, एक प्रकार की रिपेरियन क्रॉप है। जैसे आप पैराग्रास लगा सकते हो, ठीक है, या वाटर बिंड वीट लगा सकते हो, ये हमारे क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को पानी के बहाव के सापेक्ष रोक के रखते हैं, इसे हम रिपेरियन क्रॉप कह देंगे। स्किप क्रॉपिंग क्या है, अच्छा टू रो पेयर्ड रो स्किप क्रॉपिंग थी, ये पेयर्ड रो क्रॉपिंग थी, तो दो दो के जोड़े में लगाया। स्किप क्रॉपिंग में क्या करोगे, एक लाइन लगाओ फिर एक गायब रखो, फिर एक लाइन लगाओ फिर एक गायब रखो, सेम रीजन है, सेम रीजन है, कोई अंतर नहीं है। एक लाइन लेफ्ट अनसोन इन द रेगुलर रो सीरीज, सोइंग इज कॉल्ड स्किप क्रॉपिंग, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हमारा है साइलेज। तो साइलेज भाई साहब समझो, अचार खाते हो आम का, क्यों खाते हो, अचार क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आम आपको पूरे साल नहीं अवेलेबल रहेगा, चार महीने आपको जो है कच्चा आम मिल रहा है, आम मिल रहा है, फिर आपको खाने का मन उसको साल भर है, तो आपने क्या किया, उसको प्रिजर्वेशन के लिए कोई एक मेथड अपनाया जिसे उसको प्रिजर्व कर दिया, जिससे आप साल भर आम को स्वाद ले पाते हो अचार बनाकर, ठीक है। साइलेज क्या है, पशुओं का अचार है समझो, ठीक है। कुछ ऐसी हरी फसलें हैं जो चारे के तौर पर पशुओं को दी जाती हैं, लेकिन साल भर हरी फसलें मिल पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, साल भर उनको अच्छी क्वालिटी का चारा उपलब्ध हो पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑफ सीजन के लिए साइलेज हम बना लेते हैं चारे से, ठीक है। गीले चारे से जब बनाएंगे साइलेज, जैसे आप दो तरीके का अचार खाते हो ना, एक तेल में बनाते हो अचार, ठीक है, आम का अचार तेल वाला बनाते हो, एक बनाते हो ड्राई अचार, ठीक है, हमारे यहाँ बोलते हो ठोकरा, आपके यहाँ कुछ भी बोलते होंगे, हर जगह अलग अलग बोला जाता है, लेकिन ड्राई वाला जो रहता है वो भी बनाते हो, जो दाल वगैरह में डालते हो आप लोग, ठीक है। तो ये साइलेज है दो तरीके, मतलब ये अचार जो है पशुओं का दो तरीके बनाया जाता है, जब आप सूखा बना रहे हो सूखा चारा, ठीक है, चारे को सूखा कर आपने प्रिजर्व कर लिया, दैट इज कॉल्ड हे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम कहते हैं हे, यानी चारे को सूखा कर आपने स्टोर किया, दैट इज कॉल्ड हे, चारे को गीली अवस्था में आपने स्टोर किया, दैट इज कॉल्ड साइलेज। तो हमने कहा सच क्रॉप आर ग्रोन टू प्रिजर्व इन पिट्स, गड्ढों में आपने प्रिजर्व किया सकुलेंट कंडीशन में, जब वो गीली अवस्था में थी, सकुलेंट थी, बाय अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल फर्मेंटेशन, आपने क्या किया इसको फर्मेंटेशन में किड़वन से सड़ाया और एसिडिफिकेशन किया, और बाद में आप जो है ऑफ सीजन में पशुओं को खिला रहे हो, जैसे आप काउपी या ज्वार का यूज इसमें करते हो साइलेज में, ठीक है। अच्छा, सूखी घास का यूज हे के तौर पर कर लोगे। स्मोदर की बात करें, स्मोदर क्रॉप क्या है, एबल टू स्मोदर और सपरेट द पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ वीड। स्मोदर क्रॉप्स हमारी वे फसलें हैं जो वीड को दबा दें, वीड को आगे ग्रो ना करने, जैसे हमारा काउपी और लोबिया हमारा ये वीड को पैदा होने नहीं देते, काउपी और मस्टर्ड हमारा वीड को पैदा होने नहीं देते हैं, ठीक है। और ये हमारी कहलाएंगी क्या, तेजी से तैयार हो जाएंगी, वीड को पानी नहीं मिल पाएगा, वीड को लाइट नहीं मिल पाएगी, तो हमारा काउपी और मस्टर्ड जो है स्मोदर क्रॉप हो गई, इनमें जो है वीड नहीं आसानी से उग पाता है, ठीक है। फोलियज क्रॉप में मैंने क्या बताया था, फोलियज क्रॉप में मैंने बताया था कि वीड तेजी से उग पाए, ठीक है। फोलियज क्रॉप में मैंने क्या बताया था कि वीड तेजी से उग पाए, फाउलिंग क्रॉप में मैंने क्या बताया था, वीड तेजी से उग पाए, फाउलिंग में तेजी से उग पाए, स्मूदर में उग ही ना पाए, ठीक है। कटाई बोलते हैं, चलो ठीक है। सॉइलिंग की बात करूं, सॉइलिंग क्या है, ग्रोन टू हार्वेस्ट व्हाइल दे आर स्टिल ग्रीन एंड फीड फ्रेश टू लाइव स्टॉक। ऐसी फसलें जो चारे के लिए उगाए जाते हैं और हरी अवस्था में खिला दिया जाता है जानवर को, ठीक है। हरी अवस्था में कटाई करके, जैसे आप बरसीम लगाते हो, नेपियर घास लगाते हो, उसको हरी अवस्था में काट के आप पशुओं को खिला देते हो, तो उसे क्या कहेंगे, सॉइलिंग क्रॉप कहेंगे, ठीक है। ट्रैप क्रॉप क्या है जरा समझो फिर, ठीक है। ट्रैप क्रॉप क्या है देखो फिर, ट्रैप क्रॉप आपको बताते हैं क्या है। ट्रैप क्रॉप कुछ और नहीं है, देखो
ये हमने मेन क्रॉप लगाई है अंदर, हमारी मेन क्रॉप लगी है अंदर, ठीक है, मेन क्रॉप हमारी अंदर लगी हुई है। अब इसको क्या करना है, किसी इंसेक्ट से बचाना है, ठीक है, किसी इंसेक्ट या डिजीज से बचाना है। मान लो एक इंसेक्ट इस फसल को बहुत पसंद करता है, यहां हमने मान लो एग्जाम्पल भी साथ ही दे देते हैं, जैसे मान लो हमने यहां पर कॉटन लगाया है, ठीक है, और कॉटन बालवर्म जो है इसको आपको पता है यहां पर आएगा, अटैक करेगा, कॉटन को हमारे बर्बाद कर देगा आके, एक्टिनोफोरा गॉसिपियला, पिंक कॉटन बालवर्म जो होता है, पिंक बालवर्म जो होता है एक्टिनोफोरा गॉसिपियला, वो क्या करता है क्रॉप कॉटन पे अटैक करेगा आके। कॉटन बहुत महंगी फसल है। आपने कहा कि कॉटन हमारा किस फैमिली का है, मालवेसी का है, किसका है, अभी आपको बताया था मालवेसी कुल का कॉटन है। दूसरा कॉटन बालवर्म एक और मालवेसी कुल की फसल है जिसे खाता है, वो है भिंडी, जो कि हमारी सस्ती है, ठीक है, 3 डेट में क्या कहते हैं 12 रुपए किलो भिंडी। तो वो भिंडी हमारी क्या करेगा, यहां साइड साइड में हमने क्या कर लगा दिया, कॉटन की क्रॉप के साइड साइड में हम लगा दिया भिंडी चारों तरफ। अब कॉटन बालवर्म जो है उस अगले आदमी को कहता है आपको भिंडी ज्यादा अच्छी लगती है, कॉटन आपके लिए महंगी है, लेकिन कॉटन बालवर्म को क्या पसंद है, भिंडी पसंद है। तो वो किसको अटैक करेगा जाके, वो क्या खाएगा जाके, वो खाएगा जाके भिंडी, और आपकी जो कॉटन होगी वो बची रह जाएगी। इस तरीके से हमने क्या किया, ट्रैप में फंसा लिया कॉटन बालवर्म को, और ये फसल पद्धति कहलाती है ट्रैप क्रॉप। क्या कहलाती है, ट्रैप क्रॉप। हमने कहा ग्रोन टू ट्रैप इंसेक्ट पेस्ट एंड सॉयल बाउंड हार्मफुल बायोएजेंट सच एज पैरासिटिक वीड, कॉटन रेड बग इज ट्रैप्ड बाय भिंडी अराउंड द कॉटन। मैंने कहा कॉटन के चारों ओर कॉटन रेड बग हो या पिंक बाल माफ कॉटन हो, ये दोनों भिंडी को ज्यादा पसंद करते हैं, भिंडी खाएंगे। या ओरोबैंकी हमारा जो वीड होता है, टोटल रूट पैरासाइट है ओरोबैंकी, याद रखना टोटल रूट है, टोटल रूट पैरासाइट ओरोबैंकी जो है उसको अगर हमें फंसाना है तो क्या करेंगे, सोलेनेसी कुल का कोई भी पौधा लगा देंगे, सोलेनेसी कुल का कोई भी पौधा लगा देंगे और वो फंस जाएगा। स्ट्राइगा को अगर फंसाना है तो सोरघम लगा देंगे और स्ट्राइगा फंस जाएगा, दूसरी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस तरीके से हम ट्रैप क्रॉप या डिकॉय क्रॉप कहते हैं इसे, ठीक है। ट्रक क्रॉप क्या है, जिसे आप लोड करके ट्रक से लंबी दूरी तक भेज सकते हो, बेचते हो मार्केट में, यानी मार्केट में फ्रेश जिनको भेजना है वो ट्रक क्रॉप है। ऐसी फल या सब्जियां अक्सर यूज होती हैं, ऐसे फल या सब्जियां जिनको हरी अवस्था में ताजी ताजी ही यूज करना है, ठीक है, ऐसी हरी अवस्था या ताजी ताजी यूज करना है, तो उसको क्या करना है, ट्रक में लाद कर भेज देना है मार्केट में तुरंत, यानी खेत से सीधे मार्केट में भेजो, दैट इज कॉल्ड ट्रक क्रॉप, ठीक है, ट्रक क्रॉप कहेंगे। वेयर क्रॉप क्या है, जिनको तुरंत हरी अवस्था में नहीं भेजना है, उनको आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, लंबे समय तक वेयर हाउस में रख सकते हो, वेयर हाउस में लंबे समय तक रख सकते हो, और जब अच्छा खासा उसका रेट होगा तब आप मार्केट में बेच सकते हो, दैट इज कॉल्ड वेयर क्रॉप्स। सच क्रॉप आर ग्रोन फॉर टेम्परेरी स्टोरिंग, आप क्या करते हो उनकी स्टोरिंग कर लेते हो वेयर हाउस में और बाद में बेचते हो, जैसे आलू हम स्टोर कर लेते हैं लंबे समय तक, केला हम स्टोर कर लेते हैं लंबे समय तक, ये सब हमारी वेयर क्रॉप्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल की क्लास में क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर इनमें से कोई फसल की पद्धति आपको समझ में ना आई हो, टोटल रूट पैरासाइट बताया तो टोटल रूट पैरासाइट ओरोबैंकी, टोटल रूट पैरासाइट ओरोबैंकी, इस बात की क्या गारंटी है कि कॉटन रेड बग भिंडी पर अटैक करेगा, बाद में कॉटन क्रॉप तक नहीं जाएगा। भैया वो खत्म नहीं होगी, इतनी कम नहीं लगानी, दो पेड़ आपको नहीं लगाने हैं, गारंटी नहीं है, लेकिन जितना फसल को आपकी, ऐसा नहीं है कि, ऐसा भी नहीं है कि भूले भटके भी वो भिंडी, भिंडी के बाद आगे नहीं पहुंचेगा कॉटन रेड बग। कॉटन रेड बग को मैंने कहा ज्यादा पसंद है भिंडी, तो पहले वो, और हर कीट का एक टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पर वो नुकसान पहुंचाता है। ये नहीं कि क्रॉप आपने लगाई है तब से कॉटन रेडबग अटैक कर रहा है, और जब आप कॉटन की कटाई कर रहे हो तब अटैक कर रहा है, ठीक है। सबका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, ठीक है, 1-1.5 महीने में इंसेक्ट आकर चला जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है कहानी, और सबका एक फीडिंग क्या है, टाइम स्ट्रक्चर है। उस टाइम स्ट्रक्चर में उसने भिंडी को खाया तो आपके कॉटन को कम नुकसान होगा, ऐसा नहीं कि नुकसान ही नहीं होगा, कम नुकसान होगा, ठीक है कुणाल। अब लिखा पढ़ी नहीं करवाते हम लोग कॉटन रेड बग से कि भाई तुम मुहर लगाओ पहले, तब हम लोग तुम्हारे लिए भिंडी की व्यवस्था करवा देंगे, ठीक है, ऐसा कोई समझौता नहीं होता है, लेकिन हाँ आपकी कॉटन बच जाती है, कम नुकसान होता है आपकी कॉटन को, ठीक है। बताओ और कोई दिक्कत, सब क्लियर है। टोटल रूट पैरासाइट का मतलब, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो जब हम वीड पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो जो हमारे पैरासाइट हैं, इनको हम 3-4 तरीके के पैरासाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टोटल रूट, सेमी रूट, टोटल स्टेम एंड सेमी स्टेम,
ठीक है। देखो ये हमारी जड़ है, ठीक है, ये हमारी जड़ है। मान लो कोई पैरासाइट ऐसा है, कोई पैरासाइट ऐसा है जो क्या करता है, इस जड़ के अंदर घुसकर, पूरा का पूरा अंदर घुसकर यहीं रहता है और यहीं अटैक करता है, ठीक है। तो ऐसा जो हमारा पैरासाइट है वो कहलाता है टोटल रूट पैरासाइट, ठीक है। और कोई पैरासाइट ऐसा भी हो सकता है जड़ में, जो हमारा जड़ रहेगा बाहर लेकिन थोड़ा सा बस मुंडी अंदर डालेगा और यहां से नुकसान पहुंचाएगा और बाकी अपना ये अपना ग्रो कर रहा है, ठीक है, अपना ग्रो कर रहा है, ये अपना और भी काम कर रहा है, पोषण सिर्फ पेड़ से नहीं ले रहा है, सिर्फ पेड़ से नहीं ले रहा, मिट्टी में लगा हुआ है, मिट्टी से भी पोषण ले रहा है, लेकिन यहां पर हल्का सा इसने क्या किया है, जड़ में छेद करके थोड़ा सा मुंडी उधर भी डाल लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा सेमी स्टेप से, सॉरी सेमी रूट पैरासाइट, ठीक है। टोटल रूट का मैंने क्या बताया कि वो उसके अलावा पोषण के अलावा, जड़ के पोषण के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो पूरे तरीके से जड़ के अंदर घुसा हुआ है, उसके अलावा कहीं से और पोषण नहीं ले रहा है, तो टोटल रूट पैरासाइट है, ठीक है। सेमी रूट पैरासाइट में मैंने कहा उसके अलावा वो सॉयल से पोषण ले रहा है लेकिन कुछ चीजें वो क्या कर रहा है, प्लांट से भी ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेमी रूट पैरासाइट। जैसे टोटल रूट का पैरासाइट मैंने बताया ओरोबैंकी, वैसे ही टोटल स्टेम का पैरासाइट होता है, सेमी स्टेम का होता है हमारा, ठीक है, सेमी रूट का भी हमारा होता है, ठीक है, ये हमारे सब होते हैं। सेमी रूट का क्या होता है, स्ट्राइगा होता है, टोटल स्टेम का क्या होता है, टोटल स्टेम का होता है कस्कुटा, और सेमी स्टेम का क्या होता है, लोरेंथस होता है। ये हमारे जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, याद रखना है आपको, टोटल रूट ओरोबैंकी है, सेमी रूट स्ट्राइगा है, टोटल स्टेम कस्कुटा है, सेमी स्टेम लोरेंथस है, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज दोनों का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, हाँ एकदम एकदम। रिस्टोरेटिव क्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, रिस्टोरेटिव क्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेंगे, हाँ वो भी सही है, लेकिन रिस्टोरेटिव क्रॉप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉयल के वो कैसे भी करते हो लेकिन उस सॉयल को मेंटेन करने का काम करते हैं, यानी सॉयल में सुधार करने का काम करते हैं, ठीक है। कोई भी फसल जो कटाई के बाद जिसकी मिट्टी सुधर जाती हो, मिट्टी में आपने फसल को लगाया है, जब आपने उस फसल की कटाई की तो उसके बाद पहले से कंडीशन उसकी बेहतर हो गई, तो उसे हम रिस्टोरेटिव क्रॉप कह देंगे, ठीक है। हाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करते ही करते हैं, ठीक है। एगुमेंटिक क्रॉप फिर से बता दें, एगुमेंटिंग पहला वाला ही था ना, एगुमेंटिंग देख लेता हूं मैं, अच्छा एरेबल था वो, एगुमेंटिंग। अच्छा एगुमेंटिंग क्रॉप में मैंने बताया था कि ऐसी फसल हमने लगाई है जो मुख्य फसल के उत्पादन को बढ़ा देती है, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि जापानीज मस्टर्ड विद बरसीम, अगर आपने जापानीज सरसों बरसीम के साथ लगाया, मान लो बरसीम नॉर्मली आप पैदा कर रहे थे, ठीक है, एगुमेंटिंग क्रॉप एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आपने पहले यहां पर लगाया था बरसीम, ठीक है, बरसीम लगाया था पशुओं को खिलाने के लिए, ठीक है। तब इसकी पहली कटाई में जब फर्स्ट आपने हार्वेस्ट किया तो मान लो 10 क्विंटल आपने चारा यहां पर पैदा किया। दूसरी बार उसी उतने ही क्षेत्र में हमने क्या किया था, बरसीम के साथ हमने क्या लगा दिया, जापानी सरसों लगा दिया, ये भी पशुओं को खिलाने के लिए ही है, पर जापानी सरसों लगा दिया, तो पहली कटाई में आप देखोगे कि आपने जो बरसीम काटा वो कितना काट लिया, 15 क्विंटल, और साथ में जापानी सरसों भी थोड़ा सा उत्पादन हो गया, तो वो भी हमारा चारे के रूप में यूज हो जाएगा। यानी आपने क्या किया, एक फसल लगाकर जो मुख्य फसल थी उसके उत्पादन को ही बढ़ा दिया, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटिंग क्रॉपिंग, ठीक है। चलो सॉयल में ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाते हैं, हाँ ये भी सही है, सॉयल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, प्रोडक्शन हाई हो जाता है, ठीक है, ये भी सही है, क्लियर है। और कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं आज। ठीक, अब बेसिकली हम लोग जो हमारा अगला टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन को हम लोग जो है पहले सबके साइंटिफिक नेम वगैरह दिए हुए हैं, तो लाइन बाय लाइन उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक बार बस पढ़कर आपको बता दूंगा, याद आपको करना है। तो आपको बेसिकली मैं आपको टाइम देता हूं, एक साथ बैठकर आप रटने बैठोगे सारे साइंटिफिक नेम कभी याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप अगर डेली 5 लिखते हो, ठीक है, 5 डेली एक पेज पर लिख लो, जो आपको नहीं पता, यानी आप गेहूं से स्टार्ट करो टिटका मैक्सिमम, वो 5 नहीं जो आपको ना तैयार हो, आप सेलेक्ट कर लो जितने उस लिस्ट में दिए हैं उसमें टिक मार लो कि ये हमको नहीं आता है, ठीक है, फिर उनमें से 5 आप डेली लिखकर याद कर डालो, अपने आप बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा जो हमारा साइंटिफिक नेम है, ठीक है। चलो इतने रखते हैं हम लोग आज के लिए, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी को।